यार 10 दिन ऊपर हो गए, मेरे पीरियड्स अभी भी नहीं आए। इस पीसीओडी ने ना दिमाग खराब कर रखा है। 2 दिन और वेट करूंगी, फिर भी नहीं आए ना तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। यार तेरे तो 10 दिन से आ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे तो 10 दिन पहले आ गए और अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लड़कियों की पीरियड्स की प्रॉब्लम ना कभी सॉल्व नहीं होगी, मुझसे ही पूछ लो। मुझे तो पीरियड्स हो रखे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर रहा है, ऊपर से पेट दर्द हो रहा है। हाँ तो खा लेना फिर। नहीं छोड़, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम लोग बात करो अपनी। क्या है हिलवा दिया पागल सी ने, पागल है तू। दोनों की दोनों ना बस खाने में लगी रख रहो और एक जनी मेकअप में लगी रख रहो। तुम्हें पता भी पैड खत्म हो गए, अब क्या लगाऊंगी मैं? हाँ बस यूज कर लेती हूँ, लेके नहीं आने होते। हाँ तो चली जाना, पास में ही केमिस्ट की दुकान है, वहां से लेकर आ जा। मैं चली जाऊँ? मैं कभी जाती भी हूँ लेने, मुझे शर्म आती है दुकान पे जाने में, मैं नहीं जा रही। तो क्या हुआ, ले आएंगे हम, डरते थोड़ी है। हाँ तो एक काम कर, इसके साथ चली जा। हाँ ठीक है फिर तू ही जा। मैं क्यों जाऊँ, हो रहे तू जा, मेरे को थोड़ी हो रहा। अब ना तुम दोनों की दोनों मेरे साथ चलोगी केमिस्ट पे पैड लेने, आई बात समझ में? No way. और मैं भी नहीं जाने वाली। मैं क्यों बोलूं, तू बोल लेना। तू बोल दे, तू मांग, तू मांग लेना, तू मांग, बोल देना कौन सी चीज। तू बोल, अरे कोई भी बोल दो। भैया हमें ना वो चाहिए। वो क्या भैया? वो, वो क्या? अरे भैया वो। अच्छा वो भाई साहब का है? अरे छी 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 छी, नहीं वो नहीं भैया, वो जो हर महीने लड़की को चाहिए होता है। हर महीने लड़की को चाहिए होता है? अच्छा पैड। तो ऐसे बोलो ना सीधा सीधा, ये लो एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, कौन सा चाहिए? भैया कोई सा भी कर दो। कोई भी दे दो आप, जल्दी कर दो बस। अरे मैडम जल्दी क्या है, आप इनमें से देखो आपको कौन सा लगाना है। हाँ ठीक है ये बड़े वाला कर दो, जल्दी कर दो बस। ठीक है भैया कितने हो गए? 100 रुपए। हो गए भैया। ठीक है। अरे भैया बहुत बड़ा साइज है, थोड़ा छोटा दिखाओ। अच्छा मैडम निकालियो रे 32। हाँ जी बेटा क्या चाहिए? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे बेटा एक बात बताओ, आप इस दुकान में किस लिए आए हो? कुछ लेने ही आए होगे ना, बताओ क्या चाहिए। हाँ मेरा मतलब चाहिए वो जो दीदी ले रही है ना, वो चाहिए। बिंदी? अच्छा बिंदी चाहिए क्या आपको? निकाल रहे पत्ते निकाल सारे। नहीं नहीं बिंदी नहीं, जो इससे पहले दीदी देख रही थी ना वो। इससे पहले? मैडम आप क्या क्या देख रहे थे इससे पहले? अरे भैया मैं तो नेल पेंट देख रही थी। अच्छा नेल पेंट, बताओ बेटा कौन सा कलर की नेल पेंट चाहिए? नेल पेंट भी नहीं चाहिए अंकल, वो जो पहनने वाली नहीं देख रही थी दीदी, वो दिखा दो। अच्छा हेलो ब्रा चाहिए? तो बेटा इसमें इतना शर्मा क्यों रहे हो? छोटू 34 नंबर निकाल एक। नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बड़ी पागल लड़की थी ये तो, चली गई, मत निकाल। आ मैं दिलाऊं तेरे को, इतना क्या डरना। भैया 34 नंबर की ब्रा दिखा दो, एक से एक कलर दिखाना। अच्छा अच्छा, अरे आपकी ये बिटिया तो बहुत शर्माती है, अभी आई थी भाग गई। वो क्या है ना भैया,
फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको भेजा है, वरना मैं ही लाती थी इसकी सारी ब्रा। आप दिखाओ और एक से एक कलर दिखाना। अच्छा अच्छा, अरे कोई फिक्र वाली बात नहीं है, निकाल छोटू 34 नंबर की ब्रा। मम्मी ऑनलाइन मंगवा लेंगे ना। पागल क्या, चुप कर, ऑनलाइन इतनी बेकार क्वालिटी आती है, एकदम रद्दड़। इसमें पता तो चल जाएगा कम से कम छू के कॉटन है कि क्या है। सारे कलर दिखाना भैया, ब्लैक नीला पीला। हाँ ऑनलाइन मंगवा लूंगी ना मैं। देखो मैडम जी, ग्रीन कलर कॉटन की है ना। हाँ हाँ मैडम, एक ना ये देखो, ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर, ये पिंक कलर, ये रेड कलर। देख कितने सुंदर सुंदर कलर है, चूज कर ले कोई भी। ये दे दो, ये जल्दी ये वाली कर दो। ये छोड़ भैया, आप ना पैडेड दिखाओ, आजकल उसी का फैशन है। छोटू पैडेड दिखा, 34 नंबर पैडेड। मम्मी बाहर सुखा भी नहीं पाऊंगी मैं। ये देख, इसमें से कर ले कोई चूज, मस्त है एकदम। मैडम आपकी बिटिया बहुत शर्माती है, आपने कुछ सिखाया नहीं क्या इसे? दे दो ये वाली दे दो, कर दो ये पैक। इसको छोड़ो, आप मुझे दिखाओ अलग से अलग कलर, ये तो शर्माती रहेगी। बताइए कौन सा कलर चाहिए आपको? भैया एक काम करो, आप ना लेस वाली दिखाओ, आजकल ट्रेंडिंग में है वो बहुत। हाँ ये देखो, ये लेस वाली बहुत सुंदर है। एक दो तीन चार, ये सारी पैक कर दो आप। इसकी एक ओके मैडम। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है मैडम, अभी करा देता हूँ। वैसे मैडम पैंटी भी दिखा दूँ? नहीं नहीं भैया, अभी तो रखी है, जब फट जाएगी ना जब आऊंगी। अच्छा अच्छा बाय। देखा इसमें क्या शर्माना, कितना हो गया मैडम? 1000 रुपये हो गए। 1000? ओए माँ, 800 दूंगी मैं सिर्फ। 800? चलो मैडम कोई बात नहीं, आपके लिए 900। 750? नहीं मैडम, 800 में ले जाइए। आ गए ना भैया लाइन पे। चलो भैया अगली बार ना फीमेल स्टाफ भी रख लेना। ठीक है चलती हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक तो है तुम? मेरे को कुणाल की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया है, वो भी सीपी में क्लब में। ओह माय गॉड, सच होता, सच होता, सच में आया क्या? दिखा दिखा दिखा, कौन कौन आ रहा है ये तो बता। शिवम होगा, कुणाल भी होगा, इसके दोस्त भी होंगे। इसके दोस्त? इसका मतलब तो राहुल भी आएगा। मैं तो पक्का जाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप तैयार हो गए, बिल्कुल सेक्सी बन गए। ठीक है फिर जल्दी से तैयार हो जाते, कितने बजे जाने जल्दी जा। 7 o'clock। 7 o'clock, चलो फिर जल्दी रेडी हो जाते हैं। पर यार मैंने तो वैक्सिंग नहीं करवा रखी, हाथ पैर में झाड़ू उगा हुआ है। यार मेरे अंडर आर्म्स भी नहीं हो रखे। ओह शिट, मेरे भी मुझे और डाडी आई हुई है। ओए माँ, पर आईब्रो, आईब्रो तो बिल्कुल करोड़ सिंह जैसी हो रखी है, ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? फिर ऐसे चलेगी तो बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। और अभी ये सोचो करेंगे क्या। अरे वो सुषमा जो है, सुषमा आंटी पीछे वाली पार्लर वाली, उनकी दुकान खुली होगी? नहीं वो तो बंद होगी ना, ट्यूजडे है। ओह नो यार, ये पार्टी भी गलत टाइम पे आती है, क्या करें। अरे यार मेरे होते हुए टेंशन ले रहे हो तुम लोग, मेरा पागल हो एक नंबर के। अरे मुझे वैक्सिंग आती तो है, वो वीट स्ट्रिप से सारे के सारे बाल उड़ा दूंगी मैं तुम्हारे। हाँ मुझे थ्रेडिंग करनी आती है। हाँ तो लो हो गया काम, मैं तुम्हारी वैक्सिंग कर दूंगी, तुम मेरी मूछें और आईब्रोज बना देना। हाँ तो देर के स्वाद की, चलो जल्दी करते हैं। शुरू करते हैं वैक्सीन का कार्यक्रम। पहले कौन करवाएगा? वो ये करवाएगी। ठीक है चल तू करवा। ये क्या कर रही है? करवाना पड़ेगा तुझे। नहीं करवानी, नहीं जाना पार्टी में। फिर Thank you.
पार्टी शिवम 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 मूछे भी हो गई, अंडर आर्म्स भी हो गए और हाथ पैर की वैक्स भी हो गए। अब आराम से डिसाइड कर लेते हैं कि कपड़े क्या पहनने हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। चलो फिर जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पहन रहे। चलो चलो चलो। मेरे तो कपड़े हो गए डिसाइड। मेरे भी कपड़े हो गए डिसाइड। मेरे पास नए कपड़े, मैं नहीं जा रही पार्टी में। तेरे पास कपड़े होते कब हैं? अबे ओए, कैसे झूठ बोल रही है? इसके पास इतने सारे कपड़े तो थे। चल देखते हैं इसकी अलमारी में, देखते चल। और देख लो, मेरे पास नए कपड़े कुछ भी पहनने के लिए आने तो। हाँ तो चलना, दिखा अपनी अलमारी, दिखा, चल आजा दिखा। कपड़े नहीं है तेरे पास? कपड़े नहीं है? ये क्या है? क्या ये? हाँ तो कपड़े तो बहुत सारे, पर पहनने लायक तो एक भी नहीं है ना। एक काम कर, ये पहन ले, मस्त लगेगा। ये पार्टी में पहनूंगी ये मैं। तो एक काम कर, ये साड़ी पहन ले। ले साड़ी, माता बन के चली जाऊं मैं वहां पे, है बैठ जाऊंगी ऐसे हाथ जोड़ के। तो देख ये पहन ले, फूल पत्ते। पार्टी में फूल पत्ते कौन पहनता है? तो एक काम कर ना, ये पहन ले। हाँ ये तेरे पे अच्छा भी लगेगा। पता ही अच्छी लगती है, पर इसके ऊपर व्हाइट कलर का टॉप चलता है और वो गंदा पड़ा है। ये सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। ये पहन ले, जींस भी है इसके साथ। तो ये पहन ले, कच्चा पहन के जाऊंगी। ये पहन ले, बुर्का। बुर्का ही पहना दे रहा तू मुझे, ये काला टॉप का क्या करूंगी? तो लेना, ये तेरे पे अच्छा लगेगा, ले ये पहन ले। सूट पहन जाऊं मैं पार्टी में? है राहुल को पटाना है वहां पे, बिगाड़ नहीं है उससे। तो एक काम कर, यही पहन ले लहंगा चोली, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। वैसे ये आइडिया अच्छा है, वहीं पे ना राहुल के साथ साथ फेरे भी ले लूंगी। अबे ओए, कहां खो गई बाहर है सपनों से? मैं नहीं जा रही यार पार्टी में, मेरे पास नए कपड़े वपड़े। ठीक है, तेरे पास पैसे हैं? हाँ है, मौसी आई थी पिछले हफ्ते, 700 रुपए देकर गई थी। तो चल शॉपिंग पे। हाँ चल। ये आइडिया अच्छा है, नया टॉप ले आती हूँ, एक और टॉप हो जाएगा मेरे पास। चलो शॉपिंग पे ही चलते हैं। भैया टॉप दिखा दो पार्टी वेयर। मैडम किसके लिए? तीनों में से मेरे लिए। अच्छा आपके लिए? मैडम आपको एक बात बोलूं, आप ना बड़ी खूबसूरत हो, और मैडम आपको पता है आपके लिए ना हमारे पास एकदम खूबसूरत पीस है, वो बनाई सिर्फ आपके लिए। रुको मैं अभी दिखाता हूँ। लग रहा है ना मैडम खूबसूरत? अरे भैया आप अपने क्यों लगा रहे हो, पहनना ही सही आपको है। अरे मैं तो सिर्फ ट्राई करके बता रहा था ना। और मैडम आप एक बात देखो, मैं इतना काला हूँ, मुझ पे इतना अच्छा लग रहा था, मैडम तो इतनी गोरी है, इन पे कितना प्यारा लगेगा ये टॉप। और आपको पता है मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आपके पीछे ना चार लड़कों की लाइन लग जाएगी। सिर्फ चार लड़के? अरे चार तो सिर्फ इनके अकेले के हैं, चार आपके चार उनके, टोटल हुए 4 3 12, पूरे 12 लड़कों की लाइन लग जाएगी। आपको फिर जिसको चुनना हो आप चुन लेना। ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे तो ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ले ले एक काम कर। हाँ यार इसका फैब्रिक देख कितना सॉफ्ट है। ले ले, बहुत सुंदर लगेगा। मैडम इसका फैब्रिक तो ना एकदम बढ़िया ही है। हाँ अच्छा तो लग रहा है।
भैया और कोई दिखाओ आप, और अच्छा दिखाओ इससे। अच्छा कुछ और दिखाओ, एक मिनट ये देखो एक मैम प्लेन टी शर्ट आई है। ये तो ले ही ले। हाँ बहुत अच्छी है। नहीं भैया और दिखाओ। कोई बात नहीं मैडम और दिखा देते हैं आपको, वैरायटी की तो कमी ही नहीं है, इतनी बड़ी दुकान खोल के ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हम। ये देखो मैम आप पे कितना बढ़िया लग रहा है, कलरफुल पीस है एकदम। वाओ कितने कलर है इसमें, बहुत सुंदर है। ये वाली ले ले, ले, ले। भैया और कोई दिखाओ ना, और थोड़ा अच्छा सा। और कोई मैम इससे अच्छा ये देखो मैम चेक की शर्ट है और कलर देखो कितना प्यारा है, आप पे एकदम बढ़िया लगेगी, आप जचोगी इसमें। फैब्रिक भी अच्छा है इसका भी अच्छा है, पर कलर अच्छा नहीं लग रहा ना। और कोई दिखाओ भैया ऐसे में ही हो कोई दूसरा, ये वाला दिखाओ। अरे मैडम कोई बात नहीं, ये भी पसंद नहीं आया ना, आपका हो तो रात तक आपको ही दिखाते रहेंगे, वैरायटी की कमी थोड़ी ना अपने पे। देखो मैम इसको तो आप ना मना कर ही नहीं सकती, ये देखो लगा के दिखाता हूँ। ये तो ले ही ले, बहुत प्यारा लग रहा है। अरे मैम कितना खूबसूरत लग रहा है आप पे, मेरे को तो लग रहा है ये बना ही आपके लिए है सिर्फ। पर कुछ और मतलब कुछ अच्छा सा हो और अलग सा बढ़िया सा कुछ। देखो मैम पूरी दुकान आपके सामने, आपको जो मर्जी लेना है आप मुझे बताओ मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चल यार दूसरी दुकान पे देखते हैं। पागल है क्या, ये देख पहले वाला कितना सुंदर था, यही फाइनल कर ले और यही ले ले। हाँ ले लेना ये वाला। नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चलो आ जाओ दूसरी दुकान पे। थैंक यू भैया। अरे यार ये लड़कियां बिना खाम खा जाती है टाइम वेस्ट करने, इतना कुछ खुलवा दिया अब इसको तय कौन करेगा। अभी टॉप देख के गए थे ना वही वाला दे दो। अच्छा मैडम आ गए ना घूम फिर के पूरी मार्केट में यहीं पे। अरे मैडम हमें बहुत अच्छे से पता है हमारी दुकान से अच्छा कलेक्शन पूरी मार्केट में किसी का नहीं है, मार्केट में करवाली ना बेइज्जती अपनी भी और हमारी भी। निकाल दो भैया वही वाला। हाँ बताओ बताओ कौन सा वाला चाहिए आपको। भैया वो जो स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था सबसे पहला आपने ब्लू कलर का लाइन लाइन सी थी उसके ऊपर मास्टरपीस जो आप कह रहे थे वो वाला दे दो। अच्छा वो मास्टरपीस, मैडम आपकी तरह ही ना एक और मास्टरपीस आई थी और वो मास्टरपीस मैंने उस मास्टरपीस को बेच दिया। क्या बिक गया? और मत सुन हमारी, पहले ही कह रही थी ले 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 ले, लेकिन नहीं ऐसे कैसे बिक गया, पूरी मार्केट घूमाई वो एक ही पसंद आया था, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ पार्टी वार्टी में। ये तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं जाना पार्टी में, मुझे भी नहीं जाना। शिट ये तो मेरे पीछे आए जा रहे हैं, कहीं मुझे किडनैप तो नहीं करने वाला। जल्दी से पेपर स्प्रे निकाल लेती हूँ और फिर जैसे ही पास आया ना इसकी आंखों पे छिड़क दूंगी, और चक्कू भी रखा हुआ है बैग में। चलो चलो
बस करो। इतनी देर से तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे मैडम जी बस करो, मैं तो पर्स देने आया था। पर्स? ये तो मेरा पर्स है। हाँ तो फिर यही तो देने आया था इतनी देर से। थैंक यू भैया, थैंक यू। काम का मार दिया। अरे इसमें तो मेरी गोल्ड की रिंग थी, बच गई। थैंक गॉड।